राज्य स्तरीय बाल विज्ञान मेले में जिला हमीरपुर के छात्र छात्राओं का सराहनीय प्रदर्शन रहा है। विज्ञान मेले का आयोजन चंबा में 9 सितंबर से 12 सितंबर तक किया गया था, जिसमें 11 जिला के लगभग 590 बच्चों ने भाग लिया। हमीरपुर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबयाल ने बताया कि जिला के बच्चों ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि 2 छात्राएं सर्वे रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई हैं, जिसमें अब सीनियर अर्बन वर्ग में कुमारी साक्षी और अनमोल कटोच प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबयाल ने बताया कि चंबा में राज्य स्तरीय बाल मेले में हमीरपुर जिला के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ 2 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाल विज्ञान मेले में सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा। चंबयाल ने अध्यापकों से अपील की है कि सत्र शुरू होते ही बच्चों को बाल विज्ञान मेले की तैयारियां शुरू करवा देनी चाहिए, ताकि प्रतियोगिता के समय अच्छे परिणाम सामने आ सकें। राज्य स्तरीय बाल सम्मेलन जो हमारा चंबा के चौगान में जो आयोजित हुआ, उसमें हमीरपुर जिला का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी जो उनके गाइड टीचर्स थे और हमारे जो बच्चे जो कि राज्य स्तर पर जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ उनके अध्यापकों का भी बहुत ही सराहनीय योगदान, उनके देख रेख में जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, उन्हीं के कारण हमारा जिला हमीरपुर ने अपना नाम जो आज ऊंचा किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो ब्लॉक लेवल थे, उपमंडल स्तर थे और जिला स्तर पर जो हमारे जजेस थे, जिन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व किया और उनकी प्रतियोगिताओं का जो एक आंकलन किया, उनका उनकी प्रतिभाओं का आंकलन जो किया, वो बहुत ही निष्पक्ष भाग से किया था, जिसके कारण जो सबसे अच्छे बच्चे थे वो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता के लिए सेलेक्ट किए गए जिला हमीरपुर से। और मुझे खुशी है कि जो सरकार का ये कार्यक्रम चला हुआ है, उसके तहत जो हम विज्ञान के जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और विज्ञान में बच्चों का जो दृष्टिकोण है उस वैज्ञानिक बनाने के लिए और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए हम कामयाब हुए हैं, जिसके तहत जिला चंबा में जो हमारा इस बार राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, उसमें पहली बार हुआ कि जिला हमीरपुर की 2 जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थी, वेस्ट रिपोर्ट्स, उनको नवाजा गया और वो रिपोर्ट्स जो हैं राष्ट्र स्तर के लिए चुनी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे मॉडल्स थे, हमारे मॉडल्स को देखने के लिए दिन भर तांता लगा रहा। लगभग 4 दिन की ये प्रतियोगिता थी, तो चारों दिन बड़ी भारी भीड़ रही और जो वहाँ विजिटर आए उन्होंने मॉडल्स को बहुत ज़्यादा सराहा और साथ में लगभग 1,000 जो लोग थे एप्रिसिएशन उनको दी। और मॉडल्स का जो सिलेक्शन होती है वो सिर्फ स्टेट तक कंपटीशन था। इसके अलावा बच्चों के लिए वहाँ उनको भिन्न भिन्न एक्टिविटीज़ में 4 दिन इन्वॉल्व किया गया। जो हमारे आकाश में जो तारा मंडल होता है उसको दिखाने के लिए वहाँ भी प्रबंध किया गया था और बच्चों ने उस चीज़ का भी सारा का सारा कि हमारा ये सौर मंडल क्या है, इसको किस प्रकार से हम दूरबीन के माध्यम से, एक बहुत बड़ी पावर की दूरबीन का वहाँ प्रबंध किया गया, तो उसके माध्यम से बच्चों को रात को सारा का सारा इसका अवलोकन करवाया गया। और मैं समझता हूँ जो हमारे 54 बच्चे यहाँ से गए थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिला और दूसरे बच्चों से उनको सीखने में भी बहुत मदद मिली। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश और साथ में जो विभाग मिलकर ऐसे कार्यक्रमों को स्कूलों के अंदर चलाते हैं, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए, इस कंपटीशंस के लिए सभी टीचर्स को नए सेशन से ही बच्चों को तैयारी करवाना शुरू कर दें, ताकि जब भी प्रतियोगिताएं होती हैं तो इन कार्यक्रमों में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें और वो अपने जिला का नाम रोशन करें।